दीदी जी, आप इतने लंबे अरसे से ब्रह्मा कुमारीज संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं और दादी जानकी के साथ आपकी कई मुलाकातें हुई होंगी। उन मुलाकातों से जो बातें आपने देखी, अनुभव की, हमारे श्रोताओं के साथ थोड़ा साझा कीजिए। ओम शांति। दादी जानकी जी को हम बहुत पहले से जानते हैं, जबकि पांडव भवन में सभी पार्टियां आया करती थी बाबा मिलन के लिए। और उस समय जब दादी जी से हम लोग मिलते थे, टीचर्स भी मिलते थे, तो पार्टीज़ की भी दादी जी क्लास कराती थी, तो उनकी ज्ञान की जो गुह्यता है, एक एक छोटी छोटी बात को वो इतना गहराई से और इतना स्पष्ट समझाती थी कि वो सुनते सुनते ऐसे अंदर तक उतर जाती थी और ऐसे लगता था सचमुच में ये धारण करने की बातें हैं। और अब बहुत अपील करती थी और उसको हमने धारण करने की भी बहुत कोशिश की। आज तक भी उनकी एक बात की वो हमेशा शुभ भावना, शुभ कामना की बात शुरू से करती थी। कोई कैसा भी है, हमें सबके लिए शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है। उस बात को मैंने उस समय से लेकर आज तक भी जीवन में धारण किया हुआ है। उनकी क्लासेस इतनी अच्छी लगती थी कि उनकी एक किताब बनी थी उस समय, हीरा मोती। हाँ जी। तो हम लोग रोज रात को टीचर बहने आपस में बैठकर उनकी एक क्लास रोज पढ़ते थे, तो उससे हमको हमारे जीवन में जैसे वो एक संस्कार बन गया। और हमने देखा दादी जी को, हमारे पास अभी अभी आई थी 2019 में। अच्छा। अपनी इंदौर जोन की गोल्डन जुबली थी। इतनी बीमार भी रहती थी और इतना लंबा टूर कर रही थी, वो 70,000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने एक साल में की थी। हमारे पास जब आई तो हमने देखा उनकी जो अपनी तपस्या, अशरीरी स्थिति में रहने की जो उनकी संस्कार नेचर बन चुकी थी, और योग बल, तो वो अपने शरीर को भी अपने योग बल से चला लेती थी। तो सुबह हंसाबेन जी कहती थी, हेमाबेन दादी की तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है प्रोग्राम में वो न जा सके। हम सोचते थे कि तबीयत ठीक नहीं रही, इतनी सभा को बुलाया है, क्या होगा। लेकिन हम देखते थे समय पर दादी ठीक है, ओके है, और दादी प्रोग्राम में गई। और इतना 104 साल की एज थी उस समय, वरना 104 शुरू ही हुआ था दादी का। और दादी इतना बुलंद आवाज में बोलती थी, सोच भी नहीं सकते थे, और इतना क्लियर सब, और टू द पॉइंट। सारे वीआईपी, सारी सभा उनको बहुत पसंद करती थी, माना क्योंकि वो बहुत ही गहराई से कोई भी बात को पुट अप करती थी। भावना थी, बहुत भावना से, बहुत गहराई से। और जो उनके प्रति, सबको ये पता था कि मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, तो सबको देखने की इच्छा भी बहुत रहती थी कि देखे तो सही ऐसी भी कोई महिला है जो मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड है, वो कैसी होगी। तो उसके कारण भी बहुत सेवा होती थी और लोग आते थे, और दादी की तपस्या के वाइब्रेशन सबको खुशी देते थे, शांति देते थे, आनंद देते थे।